बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है कि मैं वेट करूँ। यूजली हमेशा मैं ही लेट होती हूँ। जो करोगे वही जाएगा। ऑन कैमरा आ रही चाह रहे तो फोर्स नहीं करेंगे, कहीं से कॉपीराइट मार दिया तो विदाउट माय कंसेंट इसने मुझे अपनी वीडियो में लिया है। जीते तुम कब है यार, तो किसी गेम में कभी नहीं जीती। केक सुपर डैड, मतलब आई डोंट नो ये किसी के साथ होता भी होगा कि जो मेरे साथ ऐसे यू नो ट्रैजिक सीन्स होते हैं। आई थिंक सही है, फाइनली आई एम गेटिंग। My name is Priya and welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग? So guys, finally today is weekend and आज मैं जा रही हूँ अपने friend लोगों से मिलने। After a long time, I think एक friend से तो मैं after 1 year मिलने वाली हूँ। नहीं, पहले भी मिली थी, sorry, पहले भी मिली थी। और so it's a kind of a get together and आज उन्होंने plan किया हम लोग आज bowling करेंगे या and काफी time बाद bowling कर रही हूँ, मज़ा आने वाली है। Okay, so चलो मैंने सोचा let's vlog and take you all through along with me and अगर आप इस channel पे नए हैं तो please take a moment to subscribe to my channel and having said all चलो इस vlog को शुरू करते हैं and let's the fun begin। नहा तो लिया है मैंने and I was just getting ready and आज मेरे को बहुत पुराना टॉप पहना है। मुझे लग रहा था कि मुझे फिट होगा कि नहीं, क्योंकि वैसे ही बहुत छोटा टॉप है, क्रॉप टॉप भी है, साइज में भी छोटा है एंड पर टाइम हो गया है मुझे इसको, जब मैंने लिया था मैं थोड़ी पतली थी। ओके, बट मुझे टॉप फिट हो गया, वेरी हैप्पी कि मुझे फिट हो गया। ओके, तो जल्दी से अब तो थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करूँगी। आज मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही है, यहाँ पर पूरा ऐसे पैच बन जाता है ज़्यादा मेकअप कर लूँ तो, सो मैं मेकअप नहीं करूँगी, ज़्यादा हल्का सा यू नो टचअप कर लेती हूँ। ओके, एंड देन बस रेडी तो हो ही गई हूँ, मतलब होके कुछ खा पी के फिर हम चलते हैं। A few moments later. So I'm finally ready and आज मैं वेट कर रही हूँ। वैसे बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है कि मैं वेट करूँ, यूजली हमेशा मैं ही लेट होती हूँ, बट ये दोनों गलत मेट्रो में पता नहीं कहाँ कैसे ये लोग बैठ गए एंड ये लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मैंने पूरी अपनी गाड़ी में तेल डलवा लिया, सब मैं रेडी होके बैठ गई बट अभी भी नहीं आ रहे हैं। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स देन फिर आगे चलते हैं। Oh Priya, so I'm meeting my soulmate Priya. Oh God, when Priya meets Priya after a long time. Priya, कहाँ तुम ये छोड़ के चली गई हो? बस मैं वापस आ रही हूँ। Priya चली गई बहुत दूर, पुणे वाली हो गई है यार। अब देखो प्रमोशन हो गया प्रिया का, मैं यही रह गई हूँ। पर मेरी आपकी तुमको लेके चलेंगे, पर मेरी शक्ति इतनी तेज है, मैंने प्रिया को वापस बुला लिया, मैं यही रहो यही रहो। एंड टुडे वी हैव अनदर स्पेशल गेस्ट जो कि बिल्कुल आना नहीं चाह रहे हैं ऑन कैमरा, ऑन कैमरा आना ही चाह रहे, तो फोर्स नहीं करेंगे, कहीं से कॉपीराइट मार दिया तो विदाउट माय कंसेंट इसने मुझे अपनी वीडियो में लिया है तो मैं नहीं लूंगी। बट या ओके, सो अभी हम लोग बहुत टाइम के मतलब काफी हम लोग को लेट हो गया, अभी आए हैं यहाँ पे क्या कैफे डेली हाइट्स, तो कुछ पहले खाते पीते फिर हम लोग चलेंगे बॉलिंग करने। बहुत मजा आई एंड हम लोग ने बेट लगाई थी, प्रिया क्या बेट थी कि जो हारेगा वो आइसक्रीम खिलाएगा, तो प्रिया जो प्रिया की जो जीतेगा वो खुशी में क्या खा रहे हो, जो जीतेगा वो खुशी में खिलाएगा है ना, सरकार खिलाएंगे और खुशी बाद में से बढ़ती है। आप भंडारा तो बहुत खिला रहे थे, वो आइसक्रीम खिला दो। ओके, तो बहुत मजा आई हमें खेल के, हार जीत तो लगी रहती है प्रिया है ना, एग्जैक्टली हाँ, जीते तुम कब है यार, तो किसी गेम में कभी नहीं जीती, बट हाँ बहुत बहुत फन है, तो बहुत अच्छी फोटो आई। So guys, आज है फादर्स डे एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स अराउंड एंड मैंने कुछ इस बार कुछ स्पेशल नहीं किया, जस्ट मैंने केक ऑर्डर किया था तो अब रात हम लोग कट कर रहे हैं, अभी जैसे मेरे फैमिली डिनर के लिए गए थे कि चलो आज कुछ अच्छा बाहर का खा लेते हैं एंड हियर इज द केक, जोमैटो से
कस्टमाइज केक बहुत अच्छा मतलब मुझे मिल गया, मैंने कहा यही मैं ऑर्डर करती हूँ, यहाँ फोटो में थोड़ा ज्यादा बेटर था बट थोड़ा छोटा एज इन साइज, बट यार चलो पैसे केक कट करते हैं। गाइस हियर इज द केक, सुपर डैड एंड ये मैं स्टार गिर गया बच्चा, क्या लग रहा है ना केक में बात, एंड हाउ इज द केक, तुमसे तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, मेहमान तुम बताओ, गुड गुड ओके चलो कट करें, चलो क्लैपिंग करो गाइस 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 ओके The next day. All today is the next day and कल ना जब मैं घूम के आई अपने फ्रेंडों के साथ मेरी कार खराब हो गई, मतलब कार खराब नहीं हुई, मेरी कार का हॉर्न खराब हो गया। I don't know why it happens with me. मतलब I don't know ये किसी के साथ होता भी होगा कि जो मेरे साथ ऐसे you know tragic scenes होते हैं। Actually वो पहले भी हो चुका है, actually कार थोड़ी पुरानी भी है तो ये सब issues आते रहते हैं। तो मैंने एक हफ्ते से कार चलाई नहीं है क्योंकि हॉर्न नहीं सही था, तो मैं लेके नहीं जाना चाहती you know मेन रोड पे। तो आज सैटरडे एंड आज मैं फ्री हूँ थोड़ा, तो मैंने कहा चलो अब मैं जाती हूँ पहले कार का हॉर्न सही करवा लेती हूँ, देन आई विल गो टू द जिम, या आज मैं जल्दी जिम जा रही हूँ क्योंकि शाम में मैच है, आई वांट टू सी द मैच। तो उसके लिए आज मैं सारे काम 7:30 बजे से पहले निपटा लेंगे। ओके सो अभी चलो चलते हैं जिम, एंड आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, कल बहुत अच्छी बारिश हुई थी, आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग इतनी अच्छी बारिश हुई, एंड अभी मौसम भी काफी अच्छा है, बट हम चलते हैं और जिम मारते हैं। ओके चलो चलते हैं गाइस, गाड़ी की हालत देखो बहुत खराब हो चुकी है, बट हाँ इसको जल्दी से रिपेयर करवाती हूँ फिर आगे चलती हूँ। हॉर्न में थोड़ा सा ही दिक्कत थी जो कि भैया ने अब ठीक कर दी है। सो फाइनली गाड़ी का हॉर्न तो बन गया है, एंड अब अपने जिम भी पहुंच गई हूँ मैं, अब जल्दी से जिम करते हैं, एंड आज मैं करूँगी लेग्स, आजकल मुझे बहुत मजा आ रही है लेग्स करने में, पता नहीं क्यों, बट अब पहुंच गए, हम जल्दी से लेग्स करते हैं फिर घर चलते हैं। The next day. Guys, today is the next day and आज है संडे, एंड कल इंडिया की इतनी अच्छी विक्ट्री के बाद आज तो आई थिंक सेलिब्रेट करना बिल्कुल बनता है, एंड कुछ अच्छा सा खा के आते हैं, इंजॉय करके आते हैं टू सेलिब्रेट इंडियाज विक्ट्री। एंड गाइज वॉट अ मैच, आई थिंक वी आर सो लकी जनरेशन टू विटनेस सच अ मैच, एंड आई थिंक ये हमेशा याद रहेगा हमेशा हमेशा, क्योंकि अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कब इंडिया उठाएगी पता नहीं, बट दिस इज सच एन ह्यूज मोमेंट, एंड लिटरली आई वाज इन सो इमोशन, मतलब मुझे रोना था, हंसना था, खुशी थी, and at the last we just pulled off, we are so proud of team India. Okay so aaj ka kya plan hai, and अभी बस मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ टू जस्ट डाइन आउट, एंड थोड़ा सा इधर उधर टहलना घूमना क्योंकि समर वेकेशन एंड हो रही है, एंड बच्चों की छुट्टियाँ भी खत्म हो रही हैं, तो एक लास्ट बिफोर यू नो छुट्टी खत्म हो, वैसे इनका इन्जॉयमेंट खत्म नहीं होता है, छुट्टी जरूर खत्म हो जाती है। ओके सो अभी जस्ट मैं रेडी हो रही थी, एंड थोड़ा सा अपना मेकअप कर लूँ, एंड वी आर गोइंग, पहले हम लोग मॉल जाएंगे, एंड वहीं पर कुछ शॉपिंग करने के बाद वहीं पर कुछ डाइन इन कर लेंगे, अभी काफ़ी ऑप्शन रहते हैं कैफेज इन सबके, सो दिस इज़ अ प्लान। एंड अभी बस मैंने अपनी रेड फ्लोर ड्रेस पहन ली, वैसे आपने बहुत बार देखी वाली ड्रेस, कुछ समझ नहीं आ रहा था यही देखी मैंने ये उठा ली। ओके हम जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बन जाते हैं और फिर साथ में चलते हैं। सो फाइनली रेडी, एंड बच्चे भी तैयार हो गए हैं, एंड भाभी जैन भी तैयार है, अभी भाभी का फुल लुक दिखाती है, आज भाभी एकदम कह ढा रही है। ओहो ओके मिवान वैन आर यू गाइस रेडी, दोनों देखो अपने शूज पर, इधर तो आओ अभियान, अच्छा अच्छा तो, अच्छा तुम्हें भी क्या लेना है बता दो, अभियान सुबह से रो रहा है, उसकी चीज लेनी, क्या लेनी है बताओ, सही से बोलो, नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगी, अच्छा ठीक है, और तुम्हें, तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, चुपा चुप कुछ ना कुछ चाहिए, ओके तो चले अभियान लेने फिर, ओके चलो चलो चलो। So guys, my full look. Yeah. मम्मी यार अच्छी लग रही हूँ ना मैं एकदम हसीन, मम्मी भी सोचती होंगी यार मम्मी ने ऐसा क्या किया है जो उनको इतनी खूबसूरत बेटी मिल गई, मम्मी ऐसा कभी सोचा है तुमने, मम्मी नहीं सोचा, अरे यार मम्मी सोचा करो मेरे बारे में, है ना, क्या कहना है मम्मी तुम्हारा, कहना है हाय अभियान, चलो मम्मी जा रही हूँ बाय, याद तो नहीं करोगी चलो ओके इसमें फाइनली यहाँ पहुँच गए, एंड बहुत भीड़ है यहाँ पे क्योंकि आज यहाँ पे शर्धा कपूर आने वाली है, अगर मुझे दिखी तो मैं आप लोगों को ममता दिखाऊंगी, बट हाँ अभी तो काफ़ी भीड़ है यार, सब जगह बहुत भीड़ है,
सब जगह एक्चुअली सेल आ गई थी, बहुत बहुत सेल है, हम यार सेल का फायदा उठा रहे हैं। चलो टॉमीज डी मैक्स मैक्स चले अंदर। अभियान तुम क्या बोल रहे थे? ये इसके पापा है, इतने बड़े पापा और ये इसके बच्चे हैं, ऐसा अभियान का कहना है। अभियान क्या है? ये इसके पापा है और ये इसके बच्चे हैं। अभी तो तुम डर रहे थे इसके पास आने के लिए। ओह बनी हाँ हाँ सुन लिया मैंने। हाँ जिंदा नहीं होता। आई लाइक दिस बैग, तो प्यारा लग रहा है ना, फैंसी छोटा सा क्यूट सा ही मुझे बैग चाहिए। अभियान की क्रॉक्स शॉपिंग हो रही है। अभियान दिखाओ। अब मम्मा इसके ये साइज सही आ रहा है बिल्कुल। इसके पास है ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। भाभी अभियान का दिल तोड़ने जा रही है। दोनों ले लूं? दोनों नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा। मम्मी कह रही है अभियान को नहीं मिलेगा। अभियान मुझे चाहिए। पैसे नहीं है हमारे पास। तुम्हें ड्रेस लेते, ड्रेस कपड़े लेते, तुम्हें अच्छा ले लो, ले लो ये वाले ले लो, एस्ट्रोनॉट ब्लैक इज बेटर मिवान, गो फॉर द ब्लैक वन। और कोई कलर ही नहीं है, ये वाइट कलर है। माय मां गर्ल्स वाला लुक। हां वो आइसक्रीम लगी है, सबसे अच्छा तो यही है लैलैक। आज मेरी तरफ से पार्टी है मिवान ने वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में, पार्टी भी किया। ओके सब लोग यहाँ पे आए हैं कुछ खाने, बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने सुबह का बहुत कम खाना खाया है, थोड़ा सा खाते फिर बाद में शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे। मिवान मिवान इतनी भूख लगी कि आज मैं खड़े होके खाएगा। और एक ये हमारे में पीए की खेता है, मैं ये नहीं खाता। अभी मैं आई हूँ नायका के स्टोर पे। एक्चुअली मेरा बहुत टाइम से मन था टू फेस का कंसीलर लेने का, मैंने बहुत लोगों इसकी तारीफ करते सुना है, तो मैंने कहा चलो आज इसको ट्राई करके देखते हैं एंड हाउ इट एक्चुअली परफॉर्म्स। एंड इनकी ना बेस्ट पार्ट है, इनकी बहुत शेड रेंज है, तो आपको आसानी से अपना यू नो स्किन टोन से मैचिंग आपको कंसीलर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मैं आराम से एकदम बैठ गई कि अच्छे से आज ट्राई करके देखूँगी। सारे मैंने शेड साइड में कर ली जो मुझे ट्राई करना है। थैंक्स फॉर मिवान, वो मेरी हेल्प कर रहा था उसको शूट करने में। एंड मैंने बहुत अच्छे से सारे शेड लगा के देखे एंड तीन चार मैंने साइड में किया एंड उसमें ही मुझे अपना परफेक्ट शेड मिल गया। एंड मैं यहाँ पे भाभी से पूछ रही हूँ सही है ना, सही है ना? ये नेचुरल बेज वाला मैंने लगाया है एंड ठीक तो लग रहा है, तो मुझे अपने स्किन टोन से एक लाइटर तो थोड़ा लाइट तो चाहिए कि एटलीस्ट यू नो हाईलाइट तो हो। कि मैंने क्या लगाया दूसरा भी लगा के देख लिया, फिर इस साइड मैंने दूसरा शेड लगा, इस साइड किधर से फर्क पड़ रहा है, ये हल्का वाइट हो रहा है। मिवान तुम्हारा क्या कहना है? आज मिवान मुझे हेल्प कर रहा है। गुड मिवान, मिवान इज हेल्पिंग मी। आई थिंक आई फाउंड माय शेड, ये वाला इतना सही लग रहा है, मुझे एकदम भी ब्राइट नहीं चाहिए। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट शेड। अभी कभी मन जाग गया कि इनको भी कुछ लेना है, तो वो क्या चिंचस मॉइस्चराइजर ले लिए। सही है, ले लो मेरे भी काम आएगा है ना। हाँ बस इतना कवरेज मिल रही है तो हो ही जाएगी पूरी कवरेज। आई थिंक सही है, फाइनली आई एम गेटिंग। ये क्या दे? A few moments later. Okay guys, so I'm finally back home and काफी मजा आई, काफी अच्छा दिन था and बहुत ज्यादा मैं थकी एकदम, you know पैर भूल गए मेरे आज, इतने ज़्यादा थक गए चल चल के। ओके लेट मी शो यू नायका से क्या क्या परचेस हुई। लाइक वो मैंने व्लॉग में दिखाया बट उन्हें ना हमें फ्री गिफ्ट्स भी दिए, बिकॉज वो था कि अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट की परचेस करोगे सो यू विल गेट, मतलब कुछ आप फ्री गिफ्ट ले सकते हो। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, मैंने कहा ये भी है मेरे पास, ये भी है ये। सो मैंने उनसे ये तो मैंने आपको दिखाया ही है कि टू फेस्ड का मैंने फाइनली कंसीलर ले लिया, कितने टाइम से मेरा लेने का मन था। देन भाभी ने अपना ये हेलो ग्लो स्मैश बॉक्स का हेलो ग्लो लिया, लाइक इट्स अ टिंटेड, मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब इसे टिंट हल्का सा टिंट एंड ग्लो प्रोवाइड करता है, ये उन्होंने लिया। एंड उसके साथ जो मैं फ्री गिफ्ट मिले मैंने तो ये लिया है पाउच,
क्योंकि वो मुझे जो दे रहे थे, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, किसी काम का नहीं, और मतलब इतनी अच्छी चीज़ें भी थी, तो मैंने ये मतलब पाउच लिया। एंड ये क्या कहते हैं, ये मैक का भी है, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ, अच्छा भी, लाइक क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, एकदम लेदर का है, इसके साथ ऐसे यू नो पकड़ने को भी है, एंड काफ़ी स्पेशियस भी, मैंने खोल के नहीं देखा, बट हाँ इट्स डिसेंट, मतलब अच्छा है, मुझे ब्लैक क्लासिक बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई गॉट दिस फ्री गिफ्ट, एंड उसके साथ गिफ्ट में आई, हाँ भाभी ने अपने लिए काजल लिया नायका का फ्री गिफ्ट में, एंड दे गेव अस फ्यू सैशे, ये मैक के कुछ सैशे हैं, एंड या कुछ स्मैश बॉक्स के सैशेज हैं, यही है, मतलब एक बार यूज करने वाला सैशे, ओके। एंड हाँ विमान, मेरा वो पार्सल आया नायका, वो अमेजोन वाला दो। गाइस सो मैंने ना कुछ ऑर्डर किया है फ्रॉम अमेजोन, काफ़ी छोटी सी चीज़ है, मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, कल रात मुझे नींद नहीं आई थी, मैं तो बोर हो रही थी, मेरा कुछ शॉपिंग करने का मन था, बट मेरा ऐसा था कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं, या मुझे नहीं खर्चने ज़्यादा पैसे, सो मैंने बहुत क्यूट एंड प्यारी सी चीज़ मंगवाई है। मैंने एक और इन्फ्लुएंसर को पहने देखा था, एक्चुअली सॉक्स हैं ये, ऐसे भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एंड मुझे बहुत क्यूट लग रही थी ये सॉक्स, तो मैंने तो ऐसे मुझे स्क्रॉलिंग डाउन एंड मुझे ये सॉक्स मिल गए ना ऑर्डर, कल रात मैंने ऑर्डर किया है, आज आ भी गया, क्या सुपर डिलीवरी अमेजोन की, ओके। सो दिस इज अ पेयर ऑफ थ्री सॉक्स एंड बहुत क्यूट सी सॉक्स है, लेट मी शो यू, ओके या दीज आर द थ्री सॉक्स, इसमें मुझे जो मुझे पेयर चाहिए था बस मुझे यही वाला पसंद है, वो खोल के दिखाती हूँ, ओके। ट्रेंडिंग सॉक्स, फट ना जाए, आई थिंक वो चाहिए होगी, सीजर सीजर, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर, एंड गाइस ये थोड़ी हाई एंकल नहीं सॉक्स हैं, तो जैसे अगर आपने शॉर्ट्स पहने या यू नो टाइट लगेंगे तो उसके ऊपर आप करोगे तो काफ़ी कूल लगेंगे, तो मुझे ये प्रिंट, मुझे यही वाला प्रिंट चाहिए था स्पेसिफिकली, एंड ये लुक हाउ क्यूट दिस सॉक्स आर, या ये एक पेयर है, आई थिंक ये वाला तो काफ़ी मुझे ओके ओके लगा, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया, मतलब नॉर्मल सी कुछ लिखा है, एंड ये वाला पेयर भी बहुत अच्छा है, इसमें ना क्यूट से ऐसे मतलब हाथ सा बना है क्यूट सा, सो ये भी अच्छा है। दिस इज़ माई शॉपिंग, रात की 3 बजे वाली शॉपिंग, ओके गाइज, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड दिस व्लॉग, एंड मैं इस व्लॉग को चलो यहीं पे एंड करती हूँ, आई थिंक ये व्लॉग मेरा काफ़ी दिनों का एकदम कंबाइंड वाला व्लॉग होने वाला है, ओके गाइज, सो चलो हैविंग सेड ऑल मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ टेक अ मूवमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो, एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।